आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के एक वजीर आजम ईमानदार होने के रिमार्क से मुतालिक अटॉर्नी जनरल के वजाहती खत पर सेनेट में शोर शराबा हुआ है। हुकूमती सेनेटर अजहर अब्बानी ने एहतजाज की इब्तिदा की, अपोजिशन ने बात आगे बढ़ाई और शोर शराबा मच गया। चेयरमैन सादिक संजरानी को इजलास मुलतवी करना पड़ा। मजीद तफसीलात इस्लामाबाद से शाकिर सोलंकी की इस रिपोर्ट में देखते हैं। अटॉर्नी जनरल ने एक चिट्ठी मुझे अमानतन भेजी है, मैं समझता हूँ कि हाउस के सामने रख दी जाए। सोशल मीडिया पे जो खबर गई कि इस मुल्क का सिर्फ एक ही वजीर आजम जो है वो दयानतदार था, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं हुई। वज़ीरे आज़म की ईमानदारी पर अटॉर्नी जनरल का खत और वजीर कानून की वजाहत उल्टी पड़ गई। पीपी के रजर अब्बानी ने अटॉर्नी जनरल को ऐवान की तौहीन का मुर्तकिब करार दे डाला। दी अटॉर्नी जनरल हैज डेयर्ड टू क्लेरिफाई द प्रोसीडिंग्स that have taken place in the house. He is not a member of this house. He cannot control the proceedings of this house. He cannot talk on behalf of this house and he cannot issue a clarification on behalf of this house. Senator Raza Rabbani ne jo chingari sulgayi thi, Qaid-e-Hizb-e-Ikhtilaf Shehzad Waseem ne mauke se fayda uthate hue us par tel dala aur ehwan ko jawalamukhi bana diya. Ye janab ke attorney general aur ye janab कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा हाप अप, ये नहीं। अदालतों के सारे फैसले तस्लीम करें या ना करें, फैसला करें। सर एक प्लीज बैठे। चेयरमैन सेनेट ने शोर शराबा कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की मगर कामयाब ना हुए तो इजलास मुलतवी कर दिया। बाय प्रोरोग द सेनेट सेशन ऑन द कंक्लूजन ऑफ इट्स बिजनेस ऑन ट्यूजडे।